students, today I am going to explain you the another topic of chapter 15 genetic engineering, which is the complementary DNA library and the genomic library. So students, सबसे पहले हम यहाँ पर study करेंगे complementary DNA library. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि cDNA, जिसे हम complementary DNA कहते हैं, वो क्या होता है और उसका use क्या है. देन हम ये कैसे बनता है इसको डिस्कस करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता क्या है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. द कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म ऑन द आरएनए स्ट्रैंड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज कॉल्ड cDNA. cDNA को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ये एंजाइम आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर भी. इस एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आरएनए होता है, आरएनए स्ट्रैंड होता है, उससे हम डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं. और इस तरह का जो डीएनए बनता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं. बिकॉज आप जानते हैं कि जो आरएनए स्ट्रैंड होता है, इट इज द सिंगल स्ट्रैंड. ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो इससे जो डीएनए बनेगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. इट इज ऑल्सो द सिंगल स्ट्रैंड. और इसको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. लेकिन इसको बनाते हम क्यों हैं और इसकी लाइब्रेरी को क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसका हम यूज देखते हैं कि ये हमारे किस काम में आता है. जो आरएनए स्ट्रैंड के ऊपर से जो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, इसका यूज बेटा जब होता है, जब आपको किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक जीन्स को शो करना है, उनके एक्सप्रेशन को समझना है. क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम यूकैरियोटिक डीएनए डालेंगे तो इट विल नॉट शो, इसका कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो जीन्स का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है. आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है, नॉर्मल डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक जीन में, उसके अंदर इंट्रोन्स जो होते हैं वो नहीं होते, उसमें इंट्रोन्स नहीं होते, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंट्रोन्स पाए जाते हैं. तो ये जो इंट्रोन्स हैं, इनकी वजह से यूकैरियोटिक जीन है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर शो नहीं होगा. तो इसके लिए हम यूज करते हैं cDNA को. जब भी आपको यूकैरियोटिक जीन्स को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर शो करना है तो हम cDNA का यूज करेंगे, बिकॉज cDNA के अंदर इंट्रोन्स नहीं होते. तो आप इसको शो कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई भी जेनेटिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो सारे जीन्स को कई बार हम एक बैक्टीरिया, ईकोलाई बैक्टीरिया है या कोई और बैक्टीरिया है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. कोई भी फॉर्मेशन आपको करना है, किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है जो कि यूकैरियोटिक का है, तो उसको फिर आप एक बैक्टीरियल सेल में कैसे फॉर्म करेंगे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम cDNA को यूज करेंगे. तो cDNA की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है, द कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म्ड ऑन द आरएनए स्ट्रैंड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज कॉल्ड cDNA. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ यू फॉर्म द cDNA. ये cDNA हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक सिंपल लाइब्रेरी क्या होती है. नॉर्मल लाइब्रेरी के बारे में आप जानते हैं कि जो लाइब्रेरी होती है उसमें हम डिफरेंट टाइप की बुक्स को स्टोर करके रखते हैं, यानी एज यू वॉन्ट, जो भी आपको जरूरत होती है वो बुक आप लाइब्रेरी से ले लेते हैं. सेम इज ये है cDNA लाइब्रेरी. इट मीन्स cDNA लाइब्रेरी का यहाँ पर क्या मीनिंग है, cDNA लाइब्रेरी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके कंप्लीट cDNA को कलेक्ट करके रखते हैं, क्लोन्ड cDNA को. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी. cDNA की लाइब्रेरी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्या है द कंप्लीट, द कंप्लीट cDNA फॉर्म्ड बाय क्लोनिंग, फॉर्म्ड बाय क्लोनिंग इज स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी. किसी भी ऑर्गेनिज्म के, या हम इसे कह सकते हैं मेंटेनिंग ऑफ इंसर्टिंग ऑल द cDNA ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट सेल बाय क्लोनिंग मेथड,
क्लोनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सी डीएनए लाइब्रेरी। इट मीन्स अगर एक सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो सी डीएनए लाइब्रेरी कैसे बनती है। सी डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट सी डीएनए, जो भी उसके एक सेल के अंदर पूरा डीएनए होता है, जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक सेल होता है उसके अंदर उसका कंप्लीट डीएनए होता है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पूरा बना लेते हैं। क्लोनिंग मेथड से हम उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं और उन कॉपीज को हम कहाँ रखते हैं, लाइब्रेरी बना के रखते हैं, जिसमें जब भी आपको जरूरत होगी तो आप इन सी डीएनए को यूज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि लाइब्रेरी जो हमने बनाई, किस तरीके से हम सी डीएनए को निकालते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में और उसको लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, यानी इन नियर फ्यूचर व्हेन यू रिक्वायर दिस सी डीएनए यू कैन इजीली टेक दिस सी डीएनए, तो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट। तो द थर्ड हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सी डीएनए लाइब्रेरी। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है सीडीएनए लाइब्रेरी का तो दीज आर द सम स्टेप्स, दीज स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब भी सीडीएनए बनाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक्टिव जो भी टिश्यू है, ऐसा टिश्यू जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको हम वहां से पहले क्या करते हैं, वहां का जो सीडीएनए है उसको हम वहां से निकालते हैं। तो पहली स्टेप हमारी क्या होगी, डीएनए ऑफ एनी टिश्यू इन विच एक्टिव प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। यहां पर सॉरी आप डीएनए ना लिख के मैसेंजर आ रहे हैं, क्योंकि हम आरएनए से बनाते हैं तो मैसेंजर आरएनए आएगा। यहाँ पे हम कोई भी ऐसा टिश्यू लेंगे जहां पर जो प्रोटीन है वो एक्टिवली सिंथेसाइज होते हैं, उस टिश्यू से हम क्या करते हैं मैसेंजर आरएनए को सबसे पहले निकालते हैं। मैसेंजर आरएनए से हमें बनाना है सीडीएनए, तो मैसेंजर आरएनए को सबसे पहले निकालते हैं। ये टिश्यू क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन टिश्यू में आप ले सकते हैं रूट सेल, किसी भी प्लांट की रूट सेल ले सकते हैं, या आप इसमें ले सकते हैं ओवरी सेल। यहां पर आप जानते हैं कि बहुत एक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो रूट सेल भी ले सकते हैं एंड ओवरी सेल को भी आप ले सकते हैं। वहां से सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए को निकालेंगे। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी, इंट्रोड्यूस दिस मैसेंजर आरएनए इनटू सेल एंड यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस मैसेंजर आरएनए से अब हमें क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करना है, जिससे ये मैसेंजर आरएनए है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीडीएनए। यहां पर क्या हो जाएगा, सीडीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द सीडीएनए इज मर्ज इनटू क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है, तो इसको हम किसमें मर्ज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में, एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी डीएनए को मर्ज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर से तो वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं होगा, इट विल बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल, ताकि होस्ट सेल के अंदर उसमें क्लोनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाए। तो यहां पर अब जैसे ही हम इसमें सीडीएनए को मर्ज करेंगे तो सीडीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार हो जाएगी, लेकिन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दे, आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर प्रॉब्स का यूज करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर प्रॉब इन डिटेल। तो अभी हमें यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यूजिंग प्रॉब्स वी हाइब्रिडाइज्ड द सीडीएनए
वी हाइब्रिडाइज द सीडीएनए एंड सी डी एन ए विल बी आइडेंटिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड ठीक इन द लास्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपका ये आइडेंटिफाई हो चुका है सीडीएनए, तो अब आप इसको क्या करेंगे लाइब्रेरी के अंदर यूज कर लेंगे। इससे आपका क्या बन गया, ये जो सीडीएनए है ये बनाएगा सीडीएनए लाइब्रेरी। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है इसको हम एक बार और समझेंगे, क्योंकि आपने अभी प्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ा है, प्रॉप्स हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। मॉलिक्यूलर प्रॉप्स होते हैं बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। इनको हम किसी भी डीएनए या आरएनए की जो सीक्वेंस होती है उसका पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। आपने जो भी सीडीएनए बनाया है वो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन उसमें वो किस टाइप का डीएनए है, जो भी सीडीएनए बनाया है वो कौन से जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, ये हमें कैसे पता लगता है। उसके अंदर जो सीक्वेंसेस होती है, किसकी सीक्वेंसेस होती है, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं उनकी सीक्वेंसेस होती है, तो वो हमें पता करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे, आप जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तो वो जो सीडीएनए बनाया है वो सिंगल स्ट्रैंड है, और बाहर से आपने क्या भेजे हैं, प्रॉप्स को भेजा है। प्रॉप्स क्या होती है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड होती है, लेकिन इनमें जितने भी नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं उन सबका आपको नॉलेज होता है, आपको पता होता है कि इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर है। तो जैसे ही प्रॉप्स को आप भेजते हो होस्ट सेल के अंदर, तो वहां पर जो सीडीएनए होता है उसके साथ वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा और डबल स्ट्रैंड बना लेगा। लेकिन आपने यहां पर से जो बेस, जो भी आपने प्रॉप्स भेजे हैं उनके सभी बेस आपको पता है, तो वो बेस अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ ही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। तो इससे, इसकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि जो सीडीएनए है उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं और वो कौन से जीन को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी आपको जीन का एक्सप्रेशन पता करना है कि कौन कौन से डीएनए की सीक्वेंसेस हैं, आप इन प्रॉप्स को यूज करते हैं। तो अब जो भी जीन आपका बनेगा वो अलग अलग टाइप के सीडीएनए बन जाएंगे, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट आपको है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये जो हमारा टॉपिक है ये है सीडीएनए लाइब्रेरी का बनाना। और सीडीएनए लाइब्रेरी हम क्यों बनाते हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस करवाना होता है कि वो अपना फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन होगा उसके अंदर, वो किस तरीके से होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसमें क्या करेंगे, सीडीएनए को यूज करेंगे। क्योंकि ये डीएनए में इंटर जो इंट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन आराम से हो जाता है, इजी वे में हो जाता है। तो बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया वो सारी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और इससे हम एक सीडीएनए लाइब्रेरी को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी। जैसे हमने सीडीएनए लाइब्रेरी बनाई, इसी तरीके से हम जीनोमिक लाइब्रेरी को भी बनाएंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी जो है, जैसे आपने सीडीएनए को कंटेन करके रखा है लाइब्रेरी के अंदर, स्टोर करके रखा है, वैसे ही हम किसी भी जीनोम को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वहां से उसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट वी शुड नो द व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। द कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ जीनोम क्या होता है, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो कि अपने डीएनए के बने होते हैं, आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लोइड सेट होता है जीनोम कहलाता है, किसका, क्रोमोसोम का। तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, द कंप्लीट डीएनए कंपोनेंट ऑफ हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, उसे हम जीनोम कहते हैं।
कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसा कि आप हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इट इज डिप्लॉइड, और अगर जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 23 जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर जितना भी डीएनए होता है उस कंप्लीट डीएनए को या कंप्लीट क्रोमोसोम्स को हम जीनोम कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पेयर में होते हैं। जो जीन्स अवेलेबल होते हैं एक पेयर के एक क्रोमोसोम में वो ही दूसरे क्रोमोसोम में भी होते हैं। तो हम किसी भी डीएनए का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए, अगर हम इसका हैप्लोइड सेट ले लेंगे तो भी हमें कंप्लीट जो भी जेनेटिक मेकअप है उस ऑर्गेनिज्म का पता लग जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डबल पेयर में होते हैं, एक जो भी पेयर होता है उसमें टू क्रोमोसोम होंगे, तो दोनों क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा वो एक जैसा होगा। तो अगर आप एक क्रोमोसोम को ही निकालते हैं तो भी आप उसके पूरे जीनोम के साथ, पूरे डीएनए के साथ डील कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोम? द कंप्लीट डीएनए कंटेंट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। एंड हाउ विल यू फॉर्म द जीनोमिक लाइब्रेरी? अब लाइब्रेरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? जीनोमिक लाइब्रेरी जो होगी वो क्या होगी? कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड फ्रेगमेंट ऑफ द एंटायर जीनोम, कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड फ्रेगमेंट, क्लोन्ड फ्रेगमेंट ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोमिक लाइब्रेरी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एंटायर जीनोम है, यानी जो हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनके क्लोन्ड सेगमेंट यानी उनकी मल्टीपल कॉपीज, क्योंकि आप यहाँ पे लाइब्रेरी बना रहे हैं तो लाइब्रेरी में कोई एक ही एडिशन की, एक ही बुक नहीं होगी, उसकी बहुत सारी कॉपी होती है। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सपोज कोई प्लांट है, उस प्लांट का आपने सेल लिया और उस सेल से उसके कंप्लीट डीएनए को निकाल लिया, हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपने उसमें निकाल लिए हैं। अब इनकी आप क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे और इनको आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जिसको भी उसकी कॉपी चाहिए वो वहां से ले सकता है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? जैसे हमने सीडीएनए लाइब्रेरी को बनाया था उसी तरीके से हम बनाएंगे जीनोमिक लाइब्रेरी को। तो जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर पूरा एक फ्लो चार्ट है तो मैं बनाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी सेल से, उस ऑर्गेनिज्म की जो कोई भी सेल है उससे उसके जीनोम को सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारी कंप्लीट जीनोम ऑफ डोनर सेल। आप सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है हमारे पास मस्टर्ड का, और इस मस्टर्ड प्लांट का बहुत सारा यूज है, इसका पूरा डीएनए आप रखना चाहते हैं, मतलब इसका जीनोम आप अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं ताकि किसी को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो आगे रिसर्च पर्पज के लिए तो वहां से उसकी जीनोम को ले सकता है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया। फर्स्ट स्टेप में हमने जो भी डोनर सेल थी, यहाँ पर डोनर सेल क्या है? यहाँ पर डोनर सेल है जो आपका प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट आपने लिया, उसकी कोई भी सेल आपने ली। आप जानते हैं हर सेल के अंदर कंप्लीट जीनोम होता है, हर सेल के अंदर आपको कंप्लीट डीएनए मिलेगा। तो कोई भी एक्टिव सेल आप वहां से उठाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको ये डोनर सेल है, जो भी सेल आपने ली वो डोनर सेल है क्योंकि उसके अंदर जीनोम है। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्योंकि आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके जीनोम को क्या करेगा? कट करके निकालेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट डीएनए लेंगे और उसका जो जीनोम होगा उसमें से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जीन चाहिए, जरूरी तो नहीं है आपको कि पूरा पूरा जीनोम चाहिए, तो जो भी जीन चाहिए तो आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, जिससे क्या होगा, जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या वर्क करेगा इसका वर्क क्या होता है, ये कटिंग करता है। तो आपने पूरा कंप्लीट जीनोम लिया, सपोज आपको पर्टिकुलर जीन नहीं चाहिए, आपको पूरा पूरा जीनोम ही चाहिए मस्टर्ड प्लांट का, तो आप क्या करेंगे, पूरा जीनोम आप डोनर से ले लेंगे, उसमें से आप जो भी उसका डीएनए है उसको निकाल लेंगे। डीएनए निकालने के बाद आप उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, जिससे कि उसके बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। अब आप क्या लेंगे, यहां पर आप लेंगे वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए क्या होता है, वेक्टर डीएनए होता है क्लोनिंग वेक्टर, जो आप पढ़ के आए हैं, क्लोनिंग वेक्टर आप यहाँ पे लेंगे
और क्लोनिंग वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मिड आपने पढ़े थे, प्लाज्मिड हो सकता है, इसके अलावा कॉस्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर को आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके साथ में इस ये जो आपने जीनोम निकाला है इसके डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग वेक्टर के साथ में क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उसे उसमें ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको पता है ना, क्योंकि जब तक आप क्लोनिंग वेक्टर के साथ में डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं जोड़ेंगे तब तक उसकी कॉपी तैयार नहीं होगी। हम यहाँ पर बना रहे हैं बेटा लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का मतलब ही क्या है कि आपको इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है, तो इसमें आपको ट्रीट करना होगा इसे कौन से एंजाइम से, डीएनए लाइगेज एंजाइम से आपको इसमें ट्रीट करना होगा। अब आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी वो क्या होगी, ये जो आपने क्लोनिंग वेक्टर बनाया है ये मल्टीपल कॉपी कैसे तैयार करेगा, जब तक हम इसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस क्लोनिंग वेक्टर को आपको कहाँ डालना है, होस्ट सेल के अंदर डालना है। तो यहाँ पर हम लेंगे ये सबसे पहले तो जो बना हमने उसका नाम लिखे सर्कुलर, सपोज हमने यहाँ पे लिया प्लाज्मिड, तो सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए ना, आपने जैसे ये प्लाज्मिड लिया मान लीजिए, तो इस प्लाज्मिड के अंदर आपने आपका जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये बन गया है आपका सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपको ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनकी मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है, तो इसे बेटा कहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा, इसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इंसर्शन इनटू होस्ट सेल, ठीक है। अब होस्ट सेल के अंदर जैसे ही ये प्लाज्मिड जाएगा इसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है, मल्टीपल कॉपी, यानी जो भी आपने यहाँ पर डीएनए मर्ज किया है, डीएनए के फ्रेगमेंट जो मर्ज किए हैं उनकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाएगी, उनमें क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन की जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पॉलीमराइजेशन यानी उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार हो गई है, लेकिन आपने मल्टीपल कॉपी तो तैयार कर ली लेकिन उसे आइडेंटिफाई अभी नहीं किया है। आपको पता करना है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसमें अलग अलग, क्योंकि फ्रेगमेंट अलग अलग है बेटा, तो हर एक टाइप के जीन अलग अलग है, तो कौन सा जीन है यानी कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर है ये कैसे पता करेंगे। अभी मैंने आपको बताया सीडीएनए के अंदर कि आपको किनका यूज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स का। तो प्रॉप्स से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जो सीक्वेंसेस हैं डीएनए की वो कौन सी है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए प्रॉप। आप डीएनए आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसके थ्रू करेंगे, आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए प्रॉप, आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए प्रॉप। जैसे आपकी सीक्वेंस पता लग जाएगी इट मीन्स अब आपकी क्या बन गई है, अब आपकी लाइब्रेरी यहां पर आप बना सकते हैं, और ये होगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए लाइब्रेरी। इस तरीके से आप इस पार्ट को समझ सकते हैं। अब हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जीनोमिक लाइब्रेरी है वो किस तरीके से बनाई। सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट का ले रहे हैं डीएनए, और उसका मल्टीपल कॉपी तैयार करके रखना चाहते हैं उसके डीएनए की, ताकि जिसको भी रिक्वायरमेंट है वहां से लेगा। तो सबसे पहले डोनर सेल ली हमने मस्टर्ड प्लांट की, और उस डोनर सेल से उसका कंप्लीट जीनोम सेपरेट कर लिया। जो डीएनए होता है वो अभी फ्रेगमेंटेड नहीं है, वो पूरा डीएनए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जीन की कॉपी करनी है ना, पूरा डीएनए एक साथ कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मिड वगैरह में भी पर्टिकुलर सेगमेंट की कॉपी होता है, तो पूरा जीनोम तो एक साथ आप यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, उसके अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग जीन्स है, उनकी मल्टीपल क्लोनिंग आप अलग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है मस्टर्ड प्लांट के आपको पूरे जीन ही चाहिए, आपको जिस जीन की रिक्वायरमेंट है वो आपको लेना है, तो इनके फ्रेगमेंट्स आपको करने होंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट आप किसके थ्रू करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के फ्रेगमेंट हो जाएंगे। अब आप क्लोनिंग वेक्टर लेंगे जो कि प्लाज्मिड भी हो सकता है, उस प्लाज्मिड में इन फ्रेगमेंट को अलग अलग, अभी आपने जैसे मान लीजिए 2 फ्रेगमेंट यहाँ पर एड करें, आप ऐसे अलग अलग प्लाज्मिड को लेकर अलग अलग फ्रेगमेंट्स को एड कर सकते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा जो इस इन फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर देगा, किसमें, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। देखिए ये ज्वाइन हो गया है, अब आपको पता है ये क्या बन गया है, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें 2 डीएनए आ गए हैं, एक तो प्लाज्मिड का डीएनए प्लस उसके अंदर ये फॉरेन डीएनए एड हो गया है, तो ये बन गया हमारा एक सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको अब हम किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट सेल कौन सी हो सकती है, होस्ट सेल हमारी कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, उसके अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। बैक्टीरियल सेल जैसे ही
बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड जाएगा, इसमें पोलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी पोलीमराइजेशन का यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मिड अपनी डुप्लीकेट कॉपी करेगा तैयार, तो साथ में वो क्या करेगा, उस जीन की भी मल्टीपल कॉपी तैयार कर देगा, तो पोलीमराइजेशन हो जाएगा। लेकिन कॉपी तो तैयार हो गई है, हमें नहीं पता उनकी सीक्वेंसेस क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जीन है वो। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉब्स का। प्रॉब्स जैसे ही आप डालेंगे, आपको पता है प्रॉब्स सिंगल स्ट्रैंड है, आपका जो जीन है वहां पे जो जब डीएनए फ्रेगमेंट होता है बेटा, तो वो भी सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है, तो वो भी सिंगल स्ट्रैंड है, और बाहर से आपने जो प्रॉब भेजे हैं वो भी सिंगल स्ट्रैंड, दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं, जैसी सीक्वेंस मिलती है, सपोज अंदर आपका जो डीएनए सीक्वेंस है वो ATTCCG है, तो मॉलिक्यूलर प्रॉब जो होगा वो उसका अपोजिट बेस पेयर वाला होगा, जिसको जैसा बेस मिल जाएगा वो उसके साथ में हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और हाइब्रिडाइज होकर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब आपने भेजे हैं तो उन सबकी सीक्वेंस तो आपको पता है, कि आपको अंदर के डीएनए के सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन बाहर से जो आपने प्रॉब भेजे हैं सिंगल स्ट्रैंड, जैसे कि ATCCG ये प्रॉब आपने भेजा है, तो आप जैसे ही ये हाइब्रिडाइज होगा, तो हाइब्रिडाइज होकर आपको पता लग जाएगा कि हमने ATCCG भेजा है, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो अंदर की होगी वो आपको पता लग जाएगी, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सा जीन है वो, और जीन का जैसे आइडेंटिफिकेशन होगा आप उस जीन को अब अलग रख देंगे। फिर आपने दूसरा सेगमेंट लिया, उसमें दूसरे जीन थे, उनकी भी इसी तरीके से कॉपी तैयार थे। तो इस तरीके से हम जीनोमिक लाइब्रेरी को बना सकते हैं, और ये जीनोमिक लाइब्रेरी हमारे बेहद काम की होती है, क्योंकि जैसे आप ब्लड बैंक से ब्लड कभी भी अवेलेबल, हमेशा उसमें अवेलेबल होता है, कभी भी आप ब्लड ले सकते हैं, इसी तरीके से जो जीनोमिक लाइब्रेरी होती है इसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालना ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, जो भी नॉन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सभी जीन्स इस लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट हमें होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें आज के जो हमारा चैप्टर के दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं, cDNA हम कैसे बनाते हैं, उनका क्या यूज है, और जीनोमिक लाइब्रेरी हम कैसा बनाते हैं और इनका क्या यूज है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज मॉलिक्यूलर प्रॉब्स, को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।